और इस बीच बड़ी खबर यह कि तमिलनाडु के सेलम में दो बसों की आमने सामने टक्कर हुई और इस टक्कर की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। इस हादसे में दुखद बात यह कि 30 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ड्राइवर अपनी सीट से उछल के बाहर गिर गया इतनी खतरनाक ये टक्कर। ये तस्वीर जरा देखिए, ये बस के अंदर लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग है। 30 लोग घायल हुए हैं अचानक से इस बस में टक्कर लगी। बस रफ्तार के साथ चल रही थी और अचानक दूसरी बस के साथ में ये टक्कर हुई और अचानक से उधर टक्कर होने के बाद लेफ्ट साइड में यानी कि उल्टे हाथ पर बाएं हाथ पर एक पेड़ था, बस जाकर के उससे टकराई और ड्राइवर उछल करके दूसरी तरफ जा गया। इतनी जबरदस्त टक्कर थी और बस के जो सामने का जो पूरा हिस्सा है उसके परखच्चे उड़ गए। ये टूटी हुई तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। ये दो बसों की आमने सामने की टक्कर है और इसी ही बस में लगभग 30 लोग घायल हुए हैं। दूसरी बस की जानकारी फिलहाल पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन बस में हाल के आसपास जो लोग मौजूद थे वो दौड़ करके वहां पहुंचे। जो लोग बस में सवार थे उनके बीच में अफरा तफरी का माहौल बन गया कि अचानक ये टक्कर हुई है। हालांकि गनीमत ये रही कि गंभीर रूप से घायल कोई नहीं हुआ है और जान का नुकसान इस हादसे में किसी को नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये हादसा अपने आप में भयानक है। ये तेज रफ्तार से जाती हुई बस, उधर से बस जो है जो सामने से आने वाली बस है वो ओवरटेक करने के चक्कर में दूसरी साइड में आई और तभी ये टक्कर हुई। तमिलनाडु के सेलम की ये घटना जहां पर ये दुर्घटना हुई है, ये सड़क पर आपको वाहन चलाते हुए सावधान करने वाली खबर है। आप भले ही एहतियात के साथ वाहन चला रहे हो लेकिन जो सामने से वाहन आ रहा है उसके ऊपर भरोसा ना करके आपको अपने ऊपर ही भरोसा रखना पड़ेगा, ये सीख देती है तस्वीरें। बस बाएं हाथ पर अपनी साइड में अपनी लेन में चल रही थी, सामने ऐसे आती हुई बस ने ओवरटेक करने के चक्कर में दूसरी लेन में अपनी बस को लेकर गया और ये हादसा हुआ।